दोस्तों, तो आपके क्या हालचाल। तो आज का वीडियो हम मेरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो इधर देख पा रहे हैं कि गमला में हम क्या रखे हैं। ये तो फीड है, होममेड फीड, हम कमर्शियल फीड यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये कमर्शियल फीड हम अपना मछली को खिलाते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे मेरा 30,000 लीटर्स का टैंक है आपका। इस टैंक में हम वियतनामी कोई और सिंगी, देसी सिंगी, इसका हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो कुछ ही देर पहले पानी, मतलब बरसात हुई है, तो अभी फीडिंग कराएंगे। तो मेरा ये खाना ही, मैं मेनली सिंगी मछली का ये फीड है, दोनों मछली का सेम फीड नहीं होता, फॉर्मूलेशन अलग होता है। इस फॉर्मूलेशन के बारे में ही हम आज बात करेंगे, ठीक है। अभी हम ये तो फीडिंग कराएंगे। ये तो मेनली सिंगी मछली का है। मेरा इधर सिंगी और कोई का मिक्स कल्चर है, तो ये कोई खाएगी तो कोई का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई मछली को हम कोई सा भी मछली का फिर फॉर्मूलेशन खिलाएंगे तो प्रॉब्लम है। हम इस फॉर्मूलेशन के बारे में आज बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत देखिएगा, फीडिंग कराते हैं। ये श्रिंकिंग फीड है, ठीक है। और एक तो हम फ्लोटिंग फीड भी रेडी किए हैं, वो तो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो मेरा किया हुआ है, हम वो आपको दिखाएंगे। रुकिए, ये तो हम खोल लिए, इसे ऐसा करके चला जा रहा है, ठीक है। पानी में श्रिंक हो गया, तो थोड़ा देर देखिए साउंड एकदम बंद हो गया मछली का। अभी दो से तीन ये सब इधर आ गया, आने के बाद खाना खाएगी फिर चला जाएगा। एक भी दाना नहीं मिलेगा आपको टैंक में। इसका दो से तीन महीना बाद, मतलब तीन महीना नहीं, तीन सेकेंड बाद आप देखिएगा कि फिर से इन लोग का एक्टिविटी स्टार्टेड। तो ये खाना खा के वो लोग चला गया अपना एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये तो है मेन कॉन्सेप्ट। उधर मेरा सीड स्टॉकिंग है, मेरा उधर है आपका तलापिया नहीं, आपका वियतनाम कोई का सीड हम लोग स्टॉक में रखे हैं सेलिंग के लिए। हम लोग का इधर ऑर्डर वर्डर बहुत ज़्यादा है, हम लोग का जो हैचिंग पॉइंट है उधर से हम लोग लेके हम लोग का इस दूसरा फार्म में रखे हैं। तो उधर भी मैं होममेड फीड ही दे रहा हूँ, वियतनाम कोई का जो हाई प्रोटीन का है वो तो हम दे रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करेंगे, अभी देखिएगा अच्छा से। इसमें है हम मछली का वीडियो डाल देंगे, कैसा मछली है। तो देखिए एक्टिविटी शुरू हो गया इन लोग का साउंड। तो खाना तो हम दे देते हैं, इधर प्रॉपरली दे देता हूँ। थोड़ा देखने में शायद कोशिश कर कीजिएगा, अकेला इंसान है तो कैमरा पकड़ने में मुश्किल होता है थोड़ा बहुत। फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत हम आपको अपडेट देने का कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल में नए हैं, दया करके वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि मेन फीड कॉस्टिंग में आता है आपका। फीड खिला के आप लोग मछली पालन करने के बाद बहुत जाने कि आपका प्रोडक्शन लेस हो जाता है, आपका FCR हाई आ जाता है, आपका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है फीडिंग के ऊपर। तो फीड के लिए हम ये मेन वीडियो किए, तो आप लोग को ज़रूर लाइक करना चाहिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रही है तो वो बोलते हैं यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, देखेगा लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, वोटर जस्ट दबा दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना भी ग्रुप है, जितना भी प्लेसेस है बायोफ्लॉक रिलेटेड, फिश फार्मिंग रिलेटेड, जो लोग टैंकी में या फिर जिधर भी फार्मिंग करना चाहते हैं आप लोग शेयर कीजिए, उन लोग को भी जानने दीजिए, उन लोग को भी थोड़ा प्रॉफिट करने दीजिए, ठीक है। तो खाना तो हम लोग दे देते हैं अभी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोग को देखने में, हम ऐसे करके दे दिए, ठीक है, टोटल दे दिए, खा ले गया अभी। अभी देखिए अभी साउंड फिर से बंद हो गया, उन लोग का खाना खाएगी बाद में फिर से चालू हो जाएगा एक्टिविटी। हम आपको दिखा रहे हैं 5 सेकेंड में इन लोग का खाना खा के फिर उन लोग का कैसे एक्टिविटी होता है, ठीक है। देखा मेरा पानी का कलर एकदम पॉन्ड टाइप है। हम ये तो एकदम अपना तरफ, मतलब अपना स्टाइल में फार्मिंग किए, ये वाटर प्रिपरेशन भी मेरा स्टाइल में है। हम ऑक्सीजन उतना नहीं देते, हम ऑक्सीजन का एकदम लेस करना चाहते हैं। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि हमको मिनिमम लेवल में फ्लॉक रख के मिनिमम लेवल में हमको मैक्सिमम फिश का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वही मेरा मोटो है। मेरा मोटो है कि मेरे को सक्सेस मिलना है, मेरे को पैसा नहीं। अगर आपको सक्सेस मिलेगा तो आप पैसा भी ज़रूर रोजगार कर पाओगे, ठीक है। तो मछली खा रही है, मछली को खाने दो। तो इसके बाद हमको आपको दिखाते हैं आपको हम होममेड फ्लोटिंग फीड का जो एक है तो कैसे फ्लोट कर रहा है, वो तो हम आपको इसमें एडिशनल दिखाते हैं, तो देखिएगा। तो आप लोग कैमरा में देख पा रहे हैं जो दृश्य,
आपका फ्लोटिंग फीड का एक फर्स्ट पिक्चर लिया, अभी वीडियो देखिएगा आपका, इधर खुद देख पा रहे हैं कि फीड आपका फ्लोट कर रहा है पानी का ऊपर। मेरे को आपको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा, देखिए ये जो प्लेटलेट्स देख रहे हैं आप फीड का है जो हम खुद घर में बनाए हैं, ये फ्लोटिंग है। देखिएगा कि दूसरा फीड से थोड़ा अलग है, शेप देखिएगा, सब कुछ देखिएगा, ये अलग है, ये स्ट्रक्चर भी अलग है, ये हम खुद घर में बनाए हैं। होम में कैसे हम लोग होम मेड फ्लोटिंग फीड बना पाए उसका ही मेरा काम है और जो हम करके अभी सक्सेस है, तो वही चीज़ आप लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं। तो आप लोग खुद देखें कि फीड कैसे फ्लोट कर रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक। तो फिर अभी बात करेंगे कि हम लोग कोई मछली का, वियतनामीस कोई मछली का फीड फॉर्मुलेशन का बारे में, ठीक है। आपको क्या क्या लगेगा वो स्क्रीन में दिखाएगा, कितना परिमाण में आप कितना केजी फीड बना पाएंगे वो तो स्क्रीन में दिखाई देगा। आपको लगेगा आपका आटा, आप अगर आप सस्ता आटा जो राशन में देता है वो यूज़ करेंगे तो भी होगा। फिर आपका लगेगा फिश मील, मतलब जो आपका शुटकी माछ बोलते हैं बंगाली में, वो तो लगेगा फिश मील आपका, उसका पाउडर क्योंकि वो कम दाम में मिलता है, नहीं तो अगर आप फिश मील लोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, आप फिश मील का पाउडर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका लगेगा सोयाबीन, ठीक है सोयाबीन। फिर आपका जो राइस है, राइस का जो हम बोलते हैं राइस को बॉईल करने के बाद जो वाइट वाटर आता है वो तो, उसको बंगाली में भातेर मार या फिर भातेर फैन बोलते हैं, वो तो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा इसमें नमक, नमक के बाद आपका लगेगा अगर आप भूसी दे पाए तो बहुत अच्छा है, भूसी ज़्यादा दे तो अच्छा होगा और भूसी ना भी दे तो भी चलेगा। फिर आपका लगेगा भुट्टा जो होता है, भुट्टा का जो पाउडर होता है जो कम सस्ता में मिल जाता है वो तो आपको देना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिएगा, आपका परिमाण हमको बोल रहे हैं, आपको 3 kg आटा, उसमें आपका फिश मील का पाउडर अप्रोक्सीमेटली 1 kg, उसमें आप जो पानी है पानी का सब्स्टिट्यूट में आप वो जो बोले आपको राइस वाटर का जो बॉइल्ड राइस वाटर का वाटर है वो तो, या फिर आप वाटर भी दे सकते हैं, राइस वाटर का वाटर देने में अच्छा होगा वो दीजिएगा। और आप दीजिएगा सॉल्ट, ठीक है परिमाण का हिसाब से आपका खुद का अंदाज से आप सॉल्ट दीजिएगा, फिर भी हम बोल दिए 5 kg का खाना में आप अप्रोक्सीमेटली 20 g सॉल्ट दीजिएगा, रॉ सॉल्ट, ठीक है। सोयाबीन आप घर में लाके रोस्ट करके अच्छा से फिर पाउडर करके उसमें मिक्स कीजिएगा, ठीक है। सोयाबीन तो रोस्ट कर लिए, फिर हम लोग अच्छा से वो तो बॉन्डिंग करेंगे आपका गरम, वो जो राइस वाटर बोले वो तो गरम होना चाहिए या फिर आपका हॉट वाटर, इससे अच्छा से बॉन्डिंग करेंगे। देखिएगा कि आपका चीज़ तो थोड़ा जो बंगाली में पीठा बोलते हैं वो पीठा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। पीठा टाइप का जो आपका बोलते पीठा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो वो पानी में जल्दी से नहीं घुलेगा, तो वैसा हम लोग कर सकते हैं तो फिर उससे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो पानी में नहीं घुलेगा तो अमोनिया इजीली नहीं रेडी होगा। तो वो तो रेडी करने के बाद हम लोग उसको एक दिन के लिए फ्रिज में या फिर सूखने मतलब एक तो कोल्ड प्लेस में रख देंगे, फिर हम लोग आपका हिसाब से आप अगर पीस पीस करके दे पाए तो पीस पीस करके कटिंग करके दे पाएंगे, ट्रे में दीजिएगा तो फिर नीचे में जाएगा, तो फिर एक साइड मतलब अगर नहीं भी खाता है खाएगा ज़रूर क्योंकि ये बहुत अच्छा है मछली के लिए और मछली ज़रूर खाता है वियतनाम कोई, तो दीजिएगा तो खाएगी। तो ये था आपका श्रिंकिंग फीड, हम लोग श्रिंकिंग फीड इजीली एकदम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें ये तो, और ये तो बनाने में उतना मुश्किल भी नहीं होता है आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोग ये तो बना के देख। तो आज इधर ही रखते हैं, लेकिन एक चीज़ वीडियो का ख़त्म होने के टाइम में भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग को ज़रूर मछली पालन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को हम अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फ्लोटिंग का ऊपर वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बोलिए कि हाँ फ्लोटिंग का ऊपर बनाएं तो हम ज़रूर बनाएंगे। आप लोगों का आग्रह ही मेरे को वीडियो बनाने में आग्रह देता है, तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा।